प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु के आश्रम पहुंचे विराट कोहली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब बंद होगी ऑस्ट्रेलिया की बोली। 3 साल से खामोश था विराट कोहली का बल्ला और फिर उन्होंने रुख किया नीम करोली बाबा के आश्रम का, जिसके बाद जब चला उनका बल्ला गली मोहल्ले में जमकर हुआ हल्ला। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो यादगार पारी खेली थी उसे लंबे वक्त तक हर एक भारतीय अपने सीने से लगा कर रखेगा। इसके बाद कोहली यही नहीं थमे, उन्होंने 2 महीने में 2 सैकड़े जड़कर सबको बता दिया कि फॉर्म इज टेम्प्ररी बट क्लास इज परमानेंट। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली ने सबसे पहले रुख किया था नैनीताल में नीम करोली बाबा आश्रम कैची धाम का, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ा जड़ा और फिर कोहली गए मथुरा में स्थित नीम करोली बाबा के आश्रम, जिसके बाद फिर उन्होंने सैकड़ा जड़ दिया। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मिले ब्रेक के दौरान कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी दयानंद स्वामी के आश्रम भी पहुंचे। बताते चले, स्वामी दयानंद प्रधानमंत्री मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली और अनुष्का धार्मिक अनुष्ठान के लिए ऋषिकेश पहुंचे हैं। धार्मिक अनुष्ठान मंगलवार को होने की संभावना है। इसके अलावा दोनों ने गुरु की समाधि पर पुष्प अर्पित कर ध्यान भी लगाया और साथ ही इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने जरूरतमंदों को खाना भी बांटा। मिली जानकारी के मुताबिक विराट और अनुष्का रात में आश्रम में ही रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने आश्रम की रसोई में बने खाने को भी खाया था। इसके अलावा दोनों आश्रम में होने वाली योग क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ट में खराब फॉर्म के चलते विराट ने गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के आश्रम का रुख किया, क्योंकि ओडीआई और टी20 में तो कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन टेस्ट में उनका खराब फॉर्म अभी भी जारी है। दरअसल नवंबर 2019 के बाद टेस्ट में वो एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी से होने जा रही है। इस सीरीज से पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उपकप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, ईशान किशन, आर अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्य कुमार यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।